कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज वीकेंड है और हफ्ते का आखिरी दिन है और आज खबरें खास तौर से चीनी के बाजार से कोटे को लेकर आ रही हैं। खबरें ये हैं कि दिसंबर महीने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी का नया कोटा जारी किया है। विस्तार से अगर इस बारे में बात करी जाए, केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने अगले महीने के लिए शक्कर का कोटा घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि दिसंबर महीने के लिए सरकार ने 24 लाख टन चीनी का कोटा जारी किया है और विशेषज्ञों के मुताबिक ये आने वाले महीने के लिए इनफ कोटा है, पर्याप्त कोटा है। दिसंबर के महीने में शादी और ब्याह बहुत सारे होते हैं, जिसके कारण डिमांड भी अच्छी खासी बने रहने का अनुमान नजर आ रहा है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं शक्कर के रेट आसमान न छूने लग जाएं, लेकिन सरकार ने पर्याप्त कोटा जारी करके रेट बढ़ने की संभावना को लगभग रोक दिया है। फिलहाल मंडी में शक्कर के जो दाम है वो 4030 से लेकर 4060 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से बिक रहे हैं। दिसंबर के महीने में कोटा जारी करने के बाद कीमतों में बाजार में आपको तेजी तो देखने को मिलेगी, लेकिन हल्की फुल्की तेजी जरूर आएगी क्योंकि शादियों का सीजन है, डिमांड भी बनेगी, मार्केट में तेजी आना मुमकिन जरूर है, लेकिन कोटा जारी करने के बाद आपको मामूली तेजी देखने को मिल सकती है। एकदम लंबी चौड़ी और एक तरफा तेजी का अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।